तो दोस्तों दोस्तों गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, तो वेलकम कई टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा कितने बजे से? 9:16 पर, 9:16 पर। तो और अभी जा रही हूँ मैं कॉलेज और पतिदेव जा रहे हैं मैं तो जा रहा हूँ डाकखाना। डाकखाने तक। और अभी अनन्या है अभी घर में, वो उसको अपनी दादी के पास रखा है घर में, तो फिर आ जाऊँगा मैं जल्द ही। और अभी ना बारिश का मौसम बना हुआ है, तो बारिश भी लटकने वाली स्टार्ट बारिश, हो ही गई है, बूंदाबांदी हल्की हल्की। तो चलो अभी चलते हैं। तो जो है सावन महीना तो खत्म हो चुका है, अब लगा है भाद्र महीना। तो अभी भाद्र 20 का इंतजार रहेगा। अब क्यों, 20 दिन रह गए भाद्र 20 को। हाँ। उस दिन ना तीर्थ स्थानों पर स्नान करते हैं सभी लोग। सब माना अपने जाता है कि उस दिन स्नान करेंगी तो सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है, तो चलिए जी हम भी ऐसा मानकर चलते हैं। फिलहाल तो बारिश का स्नान हो रहा है हमारा ऊपर से, और मैंने तो छाता भी खोल और लिया अभी। छाता भी खोल दिया है सुनीता ने। तो चलो, थोड़ा थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, बचो फिलहाल जितना बच सकते हैं, फिर चलते हैं अभी आगे। तो दोस्तों अभी जो है ना ककड़ी का ताल मिल चुका है हमें जंगल में। तो जंगली में तो मैंने तो पहली बार देखा ककड़ी का ताल, तो हो जाए तो चलो अच्छा है। बाकी जानवरों के लिए हो जाएगी, खाने के लिए, बंदरों के लिए जो भी है, या हमें भी बचाएगी तो हम भी खा लेंगे। तो दोस्तों हमारे ना रास्ते में बहुत ज़्यादा छुट्टी हो रखी है, तो रास्ता थोड़ा साफ कर लेते हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में झाड़ी ही झाड़ी हो जाएगी। तो रास्ता एकदम क्लीन रखते हैं ताकि आने जाने के लिए अच्छा रहे। तो चलिए जी चलते हैं आगे, देखते हैं। अब बसुट्टी ना हमारे जंगलों में बहुत ज़्यादा हो रखी है, यहाँ पर सारी जगह बसुट्टी होती है, आस पास देखने को मिलेगी आपको, उस तरफ दिखा सकते हैं। हाँ जी, तो पूरा जंगल ना बसुट्टी से भरा पड़ा है आजकल, देखो झाड़े ही झाड़ी हो गई है सामने। पहले जो है ना बिल्कुल खाली होता था, ना बसुट्टी होती थी ना कुछ, सिर्फ घास होता था डंगरों के लिए चरने के लिए। तो आजकल बसुट्टी ने कब्जा कर रखा है, तो घास बिल्कुल ना मात्र का बचा हुआ है आजकल। चले गई भाई। तो दोस्तों अभी हूँ मैं गुम्मा में, तो अभी ना अब घर जाऊंगा मैं वापस, और अनन्या को लाऊंगा, तो उसको भी दिखाना है अब डॉक्टर के पास। तो दोस्तों अभी ना गलू से उतरा मैं बस से, गुम्मा से, और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। और गलू में ना अब ये ट्राईपोड मंगाया था मैंने, तो ये फाइनली ये पहुँच चुका है ट्राईपोड। तो अब इससे बनेगी हमारी वीडियो, तो थोड़ी सी इससे कमी रहेगी ना थोड़ी, ये ऊपर वाला है ना कुछ ठीक से फंस रहा है, तो मुझे खुद करना पड़ेगा जुगाड़ मुझे लगता है, या इसमें पिन फंसाना पड़ेगी। तो ये फिसल रहा है, फ़ोन पकड़ रहा है ठीक से, तो इसका करना पड़ेगा, या फिर ऊपर से शायद नया मिलता है तो ये नया मंगाना पड़ेगा मेरे को। तो चलिए जी अब देखते हैं ट्राईपोड से कैसी बनती है वीडियो। तो अभी बना रहा हूँ मैं ट्राईपोड से वीडियो, तो कुछ इस तरह से ट्राईपोड से आ रहा है व्यू, और मस्त वाला। तो पकड़ने में तो आसानी है वैसे, मस्त है पकड़ने में। तो अभी चलते हैं घर की ओर, और घर से ना मैंने अनन्या को लाना है अभी, तो उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है आज, और जोगिंद्र नगर में दिखाएंगे आज उसको डॉक्टर के पास। तो चलिए जी ट्राईपोड का वीडियो शूट करते करते चलते हैं आज। आज मौसम ना इस वक्त तो धूप लगी है, मस्त वाली धूप खिली है, और कभी कहीं जगह छांव है, कहीं धूप लगी हुई है, तो कुछ इस तरह का मौसम बना हुआ है आज का, और मस्त वाली हवा चल रही है इस वक्त तो। तो दोस्तों अभी चल पड़े हम अनन्या के साथ, अनन्या को डॉक्टर के पास ले जाते हैं आज। क्यों, नन्नू हो गई बीमार, और इसकी मम्मी जो है ना कॉलेज गई थी, तो अभी जो क्लास लग गई है इसकी एक, तो अब जोगिंद्र नगर में ही रुकी है इसकी मम्मी, तो इसकी मम्मी मिल जाएगी हमें जोगिंद्र नगर में। क्यों, और मैंने उसके बाद जाना है अभी आगे काम के लिए मकरीडी साइड, तो इसको करा देंगे चेक हम जोगिंद्र नगर में, है ना नन्नू, है ना। चलो चलते हैं फिर, क्यों चलते हैं।
तो अभी ना गाइस अभी पहुंचने वाले हैं गल्लू में, और अनन ने तो चुपचाप सोई हुई थी, तो अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो अभी इसकी नींद चली गई, मस्त करके सोई हुई है, और मेरा तो पसीना पसीना निकल गया है पूरा, क्योंकि लगातार चलने से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, हीट तो धूप भी है ऊपर से, तो पसीना तो निकलेगा ही। क्यों नन्नू, नन्नू तो मस्त करके सोई हुई है भाई, आराम से सफ़र का मजा ले रही है ना नन्नू, पापा की गोदी में सफ़र का मजा ले रही है। चल चलिए जी, चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों अभी जो है ना नन्ने को दवाई लेके घर भेज दिया है मिसिस के साथ, और मैं आ गया हूँ अभी मकरीड़ी से ऊपर चिलोटी धार के लिए। तो यहाँ पर जो है ना कल चवरखा है प्रोग्राम, तो वहाँ पर धाम बनेगी, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं आज। तो अभी जंगल के रास्ते से होकर जाना है अभी, तो अभी आगे ना बहुत बड़ा जंगल है तो वहाँ से गुजरेंगे, तो वहाँ पर ना भालू का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो बिल्कुल घना जंगल है बांध वाला। यहाँ से ना मेरा घर सीधा सामने है, वहाँ दूर पहाड़ी पर इस वक्त जो है ना धुंध छाई हुई है, तो धुंध में ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, पर सामने है इस तरफ। अगर कैमरा होता क्वालिटी वाला तो जूम करके थोड़ा सा बता देता। और अभी जाना है मुझे ना सामने वाले विलेज में, तो यहाँ पर छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ जाना है। तो इतना बड़ा जंगल है ये, जैसे अमेजोन का जंगल है बड़े बड़े, तो वैसा है ये चिलुट्टी धार का जंगल, काफ़ी बड़ा है, तो इसमें जानवर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और रोड की हालत बताए ना, तो रोड कुछ इस तरह से ड्रेनें बन गई है, नालियाँ बन गई है, तो बरसात के मौसम में ना ये कच्चे रोड है अभी ताजे, तो बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं रोड में, तो रोड सारे बंद पड़े हैं आजकल। तो एक दृश्य आपको यहाँ से जंगल का दिखाता हूँ, ये कितना डरावना लग रहा है, सुनसान है बिल्कुल, ना कोई यहाँ पर आदमी है ना कुछ, यहाँ पर सिर्फ जंगली जानवर मिलेंगे गाइस, तो बहुत घना जंगल है और बहुत बड़ा है। तो इस जंगल से होकर जाना है मुझे अभी, तो चलिए जी चलते हैं अब आगे। बांध का जंगल है ये पूरा। अभी ना प्यास लगना भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा सफ़र कर लिया है, तो अब देखते हैं कहीं नालियों में पानी मिल जाएगा, क्योंकि आजकल बरसात है तो पानी जगह जगह मिल ही जाता है आजकल। तो सामने है नाली, तो देखते हैं, पानी की आवाज़ तो लगी है, तो यहाँ पानी मिल जाएगा पीने के लिए। तो चलिए जी आखिरकार हमें पानी मिल ही गया है, पी लेते हैं पानी। चलिए जी अभी जो है प्यास भी बुझा ली है, और बांध के जंगलों का पानी काफ़ी स्वादिष्ट है, और बांध के जंगलों का पानी ना काफ़ी शुद्ध माना जाता है, तो अच्छा होता है बांध का जंगल का पानी। और ना यहाँ पर जो है ना सिग्नल की प्रॉब्लम रहने वाली है, यहाँ पर सिग्नल नहीं होता है, तो अब वीडियो अपलोड करना भी बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा, फिर देखते हैं, बनाने को बना लेते हैं ब्लॉग, फिर जैसा सिग्नल होता है वहाँ पर डालेंगे अब। तो चलते हैं अभी, कुछ भी देखना हो या लोड करना हो ना, यहाँ पर कुछ भी चलने वाला नहीं है आज और कल, जो है फ़ोन चलाना बंद है मतलब बिल्कुल, तो सिर्फ काम करेंगे हम और ब्लॉग बनाते जाएंगे, फिर जैसा भी है देखते हैं। तो देख दो कितना घना जंगल है, लोकेशन कैसी लगी आपको, खतरनाक दृश्य ना, बिल्कुल ऐसा ना हॉलीवुड की मूवी में होता है, एकदम खतरनाक दृश्य, घना जंगल बांध का। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चिलोटी धार विलेज में, तो सामने वाले घर में जाना है अभी हमने।